अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चैनल टीच मी टेक्निकली में खुश आमदीद। मैं मोहम्मद जैन अंजुम पाकिस्तान के शहर लाहौर से आज इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस प्लेलिस्ट के अंदर हम ये सीख रहे हैं कि किस तरह से हम अपना न्यू ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल से किस तरह अर्न कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल की डिफरेंट सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। सो ये तमाम वीडियोज़ आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगी। सो इन केस आप हमारे चैनल टीच मी टेक्निकली पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी हमारे चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब कर लें। आज के इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने चैनल के लिए, जो हमने चैनल लास्ट वीडियोस के अंदर बनाया था मोहम्मद जैन अंजुम, उसके लिए चैनल आर्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि canva.com क्या है और किस तरह से आपको अकाउंट क्रिएट करना है और वो आपको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं आपके चैनल को ग्रो करने के लिए। सो आज हम क्या करते हैं, आज हम canva.com को इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके देखते हैं कि किस तरह से हम अपने चैनल के लिए चैनल आर्ट क्रिएट कर सकते हैं और एक्चुअल में चैनल आर्ट होती क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं canva.com पर। और इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में हमारे पास चैनल आर्ट होती क्या है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल टीच मी टेक्निकली पर और आप देख सकते हैं ये हमारा चैनल जो कि आपको शो होता है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास बैनर है और इस बैनर पर लिखा हुआ है टीच मी टेक्निकली, उसका लोगो लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, लर्निंग बिकेम इजियर, सब्सक्राइब टू गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, सो ये तमाम चीज़ें, ठीक है, ये जो बैनर यहाँ पर लगा हुआ है इसको यूट्यूब में कहते हैं यूट्यूब चैनल आर्ट। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, जो हमारा चैनल है मोहम्मद जैन अंजुम जो हमने यहाँ क्रिएट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी चैनल आर्ट इसकी नहीं है। तो हमने ये करना है कि इस चैनल के लिए एक चैनल आर्ट डिज़ाइन करनी है और उस चैनल आर्ट को यहाँ पर अपलोड करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास चैनल आर्ट क्रिएट होती है और किस तरह से हम उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है कि canva.com पे जाते हैं और canva.com पे यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है चैनल आर्ट। ठीक है, सो हम सर्च करते हैं कि हमारे पास कहाँ पे है चैनल आर्ट की ऑप्शन, नहीं है, यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं चैनल आर्ट। सो यहाँ पर हमारे पास रिकमेंडेशन आ रही है यूट्यूब चैनल आर्ट, ट्रेवल यूट्यूब चैनल आर्ट, ठीक है, ब्यूटी यूट्यूब चैनल आर्ट। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि आप किस तरह की चैनल आर्ट क्रिएट करना चाहते हैं। बेसिकली आपके चैनल की टाइप क्या है, कि क्या आप ट्रेवलिंग वीडियोस बना रहे हैं, क्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में वीडियो है, म्यूजिक के बारे में, मेकअप के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ट्रेवल यूट्यूब चैनल आर्ट। ठीक है, सो यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कंटेंट, ठीक है, जो कि आप अपलोड करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप ज़रा देखिए कि हमारे पास कितनी कमाल कमाल की फोटोज आ रही हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने चैनल आर्ट के अंदर। ठीक है, सो यहाँ से आपको कोई भी अपने पसंद का चैनल आर्ट बनाना है। ओके, सो अब हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा चैनल आर्ट हमारे चैनल मोहम्मद जैन अंजुम के लिए फिट करेगा। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और अब हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने एक पेज आ रहा है। और जब आपने किसी चैनल आर्ट पर या किसी भी आइटम पर काम करना है तो आपने एक चीज़ चेक करनी है और वो ये कि यहाँ से हमारे पास गिवन है डाउनलोड का बटन, आपने उस डाउनलोड के बटन को प्रेस करना है। डाउनलोड के बटन को प्रेस करेंगे, अगर यहाँ पर डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है तो इसका मतलब है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट था और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पेड होता तो आप इसको डाउनलोड ना कर सकते। ठीक है, सो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने, अगर आप इनिशियल हैं, अगर आप फ्री करना चाहते हैं चीज़ें, तो आप फ्री को ही सिलेक्ट करें। अगर आप पे कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास है इतनी अमाउंट अपने चैनल पर इन्वेस्ट करने के लिए कि आप उसको पे भी कर सकते हैं कैनवा को, तो आप पेड की तरफ जाइए। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ मोहम्मद जैन अंजुम और इसका फॉन्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेट्स ट्राई। सो फ्रेंड्स, मैंने दूसरी एक इमेज सेलेक्ट कर ली है, मेरे ख्याल से शायद ये चैनल आर्ट थोड़ी बेहतर लगे। सो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ जो मुझे टाइप करना है और मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मोहम्मद जैन अंजुम। ठीक है, सो ये हमारे पास एक पोस्ट आ गया जिसको हम चैनल आर्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अब हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये सूटेबल है, मुझे इसमें चेंजिंग नहीं करनी। इन केस मुझे
ये जो लिखा हुआ है इसके कुछ फॉन्ट चेंज करने हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से जा सकता हूँ, उसके साइजिंग चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ, बोल्ड इटैलिक, इस तरह के काफ़ी फीचर्स हैं जो कि आपको वक्त के साथ साथ आते जाएंगे, ठीक है। सो इन केस मैं कहता हूँ कि दिस इज़ परफेक्ट, मैं इसको कर सकता हूँ और इसको अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से करूँगा डाउनलोड और यहाँ से क्लिक करूँगा डाउनलोड। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा डाउनलोड, तो मेरे सामने यहाँ से डिज़ाइन को डाउनलोड करने का स्टार्ट हो जाएगी ऑप्शन, ठीक है, मेरी इमेज जो है, पोस्ट है, वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि अपने चैनल मोहम्मद जैनजुम पर वापस चलते हैं और यहाँ जाकर हम अपलोड करेंगे अपने चैनल आर्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर एक बटन आता है जो है कस्टमाइज चैनल, और हमें क्या करना है कि कस्टमाइज चैनल के बटन पर क्लिक करना है। सो जब हम अपने बटन कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है। अभी आपने बाकी ऑप्शंस को मिस करवाना है, ठीक है, और बाकी ऑप्शंस को मिस करवाने के बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है जिस पर लिखा हुआ है ब्रांडिंग, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप ब्रांडिंग की ऑप्शन पर आएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक गिवन है बैनर इमेज, ठीक है। सो ये बैनर इमेज एक्चुअल में वही चैनल आर्ट है जो कि हम बना के लाए हैं अपनी canva.com से, ठीक है। अपलोड के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूंगा अपनी वो इमेज जो कि मैंने डाउनलोड की थी कैनवा से, ठीक है। सो जब मैंने बटन प्रेस किया, ओपन किया, तो यहाँ से मेरे पास इमेज आ गई है और यहाँ पर मेरे सामने लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास टीवी पर ये वीडियोस देखी जाएंगी तो ये चैनल आर्ट ऐसे नजर आएगी फुल, इन केस अगर डेस्कटॉप पे देखी जाएगी तो इतनी सी आएगी, व्यूएबल ऑन ऑल डिवाइसेस, तो वही है, ठीक है, मतलब हर डिवाइस पे इतना तो नज़र आएगा। अगर आप डेस्कटॉप पे आएंगे तो इतनी इमेज नज़र आएगी, और अगर आप टीवी पे देख रहे हैं तो फुल नज़र आएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना डन, ठीक है। अगर आप अपने चैनल के लिए चैनल आर्ट कैनवास से बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ से बना सकते हैं, और अगर आप किसी ग्राफिक डिज़ाइनर की मदद से बनवाना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी बनवा सकते हैं। लेकिन इसको अपलोड करने का तरीका बिल्कुल सेम है कि आपको करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने चैनल में आना है, कस्टमाइज चैनल के बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद ब्रांडिंग को सिलेक्ट करना है, और ब्रांडिंग को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से ऐड कर देनी है वो इमेज जो कि आपको शो होगी चैनल पर। सो हम चलते हैं अपने चैनल पर वापस और इसको रिफ्रेश करते हैं। सो इमेज को अपलोड करने के बाद आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि यहाँ से पब्लिश का एक बटन गिवन है, उस पब्लिश के बटन को आपने क्लिक कर देना है। सो पब्लिश करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से क्लिक करना है व्यू चैनल के बटन पर, और व्यू चैनल के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये यूआरएल न्यू टैब में हिट हुआ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हमारा चैनल आर्ट आ चुका है और यहाँ पर एक बैनर आ चुका है। सो आपने किया क्या कि सिंपली कैनवा पे गए, कैनवा की जगह आप किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से भी बनवा सकते हैं, लेकिन इन केस आप फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना चाहते हैं तो कैनवा की मदद से कर सकते हैं। सो हमने क्या किया कि अपना चैनल आर्ट क्रिएट किया और चैनल आर्ट को यहाँ पर पोस्ट कर दिया। सो ये है हमारे पास हमारा अपना चैनल आर्ट। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करें। हमारा जो दूसरा चैनल हम आपके सामने क्रिएट कर रहे हैं मोहम्मद जैनजम, उसको भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।